हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया वर्किंग एज RRBPO एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDBI असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी के बारे में, बिकॉज अभी IDBI के रिजल्ट आ चुके हैं एंड बहुत जगह पे उनका इंटरव्यू भी हो चुका है एंड तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुरंत ही ज्वाइनिंग आ जाएंगी। तो क्यूरियोसिटी होती है कि सैलरी क्या मिलने वाली है, तो मैंने सोचा ये मेरे एक फ्रेंड की सैलरी स्लिप है जो पहले एग्जीक्यूटिव थे IDBI एग्जीक्यूटिव एंड उसके बाद वो प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बने थे, तो इसलिए मैंने उनसे सैलरी स्लिप मांगी है ताकि मैं आप सबसे शेयर कर सकूं। एंड इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज सैलरी के साथ साथ मैं अलाउंसेस भी बताऊंगी एंड इनके अलाउंसेस सुन के तो मुझे ही शॉक लग गया था कि अच्छा इतने सारे होते हैं क्या, बिकॉज RRBPO में थोड़े कम है। तो इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना था कि IDBI भी लोगों को लगता है प्राइवेटाइज हो गया, बट यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है सैलरी में या अलाउंसेस में, जो बाकी बैंकर्स को मिलता है सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को एंड तक। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये जो बेसिक पे होता है, पे या वेतन की बात किए तो यहाँ पे उनका एक साल हो गया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर, तो उनको एक इंक्रीमेंट लगा है 1400 समथिंग रुपये का, तो वो अगर हम माइनस कर देंगे तो 36,000 ही बेसिक होता है इनका भी। एंड जो ये है DLNS अलाउंस वो है समथिंग 14,000 का, उसके बाद ये कॉइन एलिमेंट छोड़ दो, उसके बाद ये स्पेशल अलाउंस जो भी है ये 2700 का है यहाँ पर। एंड NPS बेसिक, NPS DA ये सब 5200 एंड 1700 का। एंड उसके बाद एक स्पेशल अलाउंस जो कि विशेष भत्ता है वो है 6100 रुपीज़, एंड ये लोकेशन अलाउंस 700 एंड लर्निंग अलाउंस 600 जो सभी ऑफिसर्स को मिलता है। तो ये अगर हम टोटल देखें इनका, तो इनका टोटल पे हो जाता है 69,270। तो ये हो गया। अभी इसके बाद हम देखेंगे डिडक्शंस। तो डिडक्शन में NPS जो हमारा कटता है तो वो है 5200 एंड NPS DA भी यहाँ पर कटा है, जो ऊपर मिला था इनको वही यहाँ पे कट चुका है, जितना अमाउंट ऊपर मिला था 5200 एंड 1700 का उतना यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है। एंड NPS बेसिक ये जो है ये इनके सैलरी से जो कंट्रीब्यूट होता है वो है 3700 का, एंड इस पे भी जो DA है 1200 का, तो ये अराउंड 4900 ये हमारे सैलरी स्लिप से भी कटता है। बाकी जो ऊपर वाला कटा था वो तो सैलरी में इंक्लूडेड उनको दिया गया था, वही कट हुआ है। एंड उसके बाद इनका इनकम टैक्स कटा है 4500, तो ये तो ITR फाइल करके वो रिटर्न ले लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स जो सबका कटता है 200 रुपीज़, तो इनका 175 कटा है। एंड ये एसोसिएशन के चार्ज जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है अपनी अपनी एसोसिएशन, तो उनके 100 रुपीज़ कटे हैं। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन समथिंग, तो उनके लिए 184 रुपीज़ कटे हैं। एंड इनका लीज़ अकोमोडेशन है इसीलिए इनके सैलरी में HRA नहीं है, तो लीज़ भी कितना मिलता है मैं आगे बताऊँगी। तो लीज़ अकोमोडेशन का ये जो लाइसेंस फ़ीस होती है तो मिसलेनियस में, तो ये 180 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है, ये हमारा भी होता है, तो हम मैन्युअली ये करते हैं, पे करते हैं बैंक के GL अकाउंट में। यहाँ पर इनका डायरेक्टली सैलरी में ही कट हो गया है। तो इनका अगर डिडक्शन देखें टोटल 17,000 है इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, अगर वो हटा देते तो अराउंड 12,000 ही होता, 11,500 समथिंग। तो ये सब डिडक्ट होने के बाद इनकी 52,000 सैलरी है इन हैंड। तो ये 52,000 सैलरी है एक्सक्लूडिंग HRA वगैरह, बिकॉज इनको लीज के भी पैसे मिलते हैं एंड बाकी अलाउंसेस भी। तो चलिए देखते हैं अलाउंसेस की बात थी, तो अलाउंसेस में मंथली 60 लीटर्स पेट्रोल मिलता है, जो कि रूरल एरिया में भी मिलता है, लाइक मिनिमम 60 लीटर्स पेट्रोल मिलता है IDBI असिस्टेंट मैनेजर को। एंड अगर वो मेट्रो सिटीज़ में है तो ये 60 लीटर अप टू 140 लीटर्स भी हो सकता है। लाइक ही हैज़ शोन मी द प्रूफ, मुझे ही खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना पेट्रोल कौन देता है, तो उन्होंने दिखाया भी कि उनको कैसे कन्वीनियंस अलाउंस मिला है। वो थोड़ा सा रूरल एरिया में पोस्टेड है, लाइक अर्बन काइंड ऑफ एरिया, तो उनको 6,000 मिलता था पर मंथ, जो कि 60 लीटर्स अप्रॉक्सीमेट 60 लीटर्स के अराउंड। एंड जो उनके फ्रेंड्स मेट्रोज में थे, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर ऐसे जगह पे, तो वहाँ पर उनको अप टू 140 लीटर्स तक पेट्रोल भी मिलता था, तो पेट्रोल अलाउंस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एंड उसके बाद लीज़ की उन्होंने बताया कि लीज़ का 7,500 से लेकर 12,000 का रेंज था, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़, जो कि हर जगह होता है, सिटी ए टाइप, बी टाइप या फिर क्लास वन क्लास टू ऐसा कुछ होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो उसके हिसाब से इनका जो एरिया था इनको 7,500 रुपये लीज़ के मिलते थे। एंड उतने में तो एरिया मतलब बैंक उसी हिसाब से डिसाइड करती है कि इतने में इनको यहाँ पर रहने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, तो उसी हिसाब से लीज डिसाइड होता है। तो 7,500 में तो उनको रहने का आराम से हो गया था। एंड उसके बाद टेलीफोन का इनको मंथली बिल मिलता है 600 रुपीज़ पर मंथ, तो टेलीफोन का बिल मिलता है 600 रुपीज़। तो देखिए, और बाकी एनुअल अलाउंसेस तो और बहुत सारे होते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी या फिर LFC, लीव फेयर इनकैशमेंट, ये सब ये सब होता है। तो ये मंथली अलाउंस पेट्रोल एक उसमें बहुत ऐसा अट्रैक्टिव फैक्टर है, एंड लीज भी एक अट्रैक्टिव फैक्टर है, बिकॉज
प्राइवेटाइज हो गई है बैंक, फिर भी लीज अकोमोडेशन देती है एंड इतना ज़्यादा अमाउंट का देती है कि आपको ऊपर से ज़्यादा पैसे भी नहीं डालने पड़ेंगे। अगर आप डिसेंट प्लेस पे रह रहे हो तो आपको जितना बैंक प्रोवाइड कर रही है लीज का पैसा, उतने में आपको एक अच्छी अफोर्डेबल प्लेस मिल जाएगी रहने के लिए उस सिटी में जो उन्होंने डिसाइड किया है, जो सिटी टाइप है उस हिसाब से। तो ये अलाउंसेज है अगर हम देखें तो सबका टोटल, एंड बाकी छोटे छोटे अलाउंसेज और भी होंगे बट ही वॉज़ बिजी तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ पाई। जैसे न्यूज़पेपर अलाउंस भी होगा या और बहुत सारे अलाउंसेज भी होंगे छोटे छोटे, बट ये थोड़े मेजर अलाउंसेज हैं जो उन्होंने मुझे बताए। एंड अगर हम टोटल करें तो 52,000 तो इनकी ग्रॉस सैलरी थी। उसके बाद उनको 6,000 पेट्रोल का मिला एंड 7,500 उनको लीज का मिला एंड 600 टेलीफोन बिल भी मिला। अगर हम ये सबको भी ऐड करें तो इनका अप्रॉक्सीमेट टोटल 66,000 होता है। एंड अगर चलो 1,400 रुपये उनका इंक्रीमेंट था वो अगर हम माइनस भी कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 65,000 के ऊपर इनकी इन हैंड सैलरी या फिर सब कुछ मिला के इनको 65,000 ये एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो विच इज़ नॉट लेस, ये बहुत अच्छा अमाउंट है। एंड असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर एक मैं बेसिक बता देती हूँ कि जब हम लगते हैं असिस्टेंट मैनेजर वो PGDF कोर्स के बाद, तो एक साल की ट्रेनिंग होती है जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में होती है। एंड वहाँ पर हमें जब हम ट्रेनिंग पे होते हैं तो 9 मंथ्स तक 2,500 रुपीज़ मिलता है एज अ स्टाइफंड। एंड 9 मंथ्स के बाद जो बचे हुए 10th, 11th एंड 12th मंथ होता है वो 3 महीने में हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ 10,000 स्टाइफंड मिलता है। एंड उसके बाद हमारा ग्रेड हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर का एंड हम डायरेक्ट ऑन रोल हो जाते हैं जॉब पर, जहाँ पर हमें ये सब सैलरी स्ट्रक्चर फिर देखने को मिलता है एंड हमारी सैलरी स्लिप आती है। तो जो 2,500 भी मिलता है तब वो अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के पर्पज, ट्रेनिंग खाना देते हैं, रहने के लिए फैसिलिटी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बस ये एज अ स्टाइफंड जो अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है उनके अकॉर्डिंग वो देते होंगे 2,500। तो बस एक साल हमें निकालना है अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं ज्वाइन करें या ना करें, बट अगर आप एक साल थोड़ा सा एडजस्ट करके निकाल लो उसके बाद आपको 65,000 जैसा बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँ ये सैलरी स्लिप। आई होप इसमें से आपको बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड अगर मिली है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।